दीदी को ही देखा है, दीदी को ही देखा है। नानी कर रही है अपने पोते को प्यार। ये कोट बना रखा है मेरे भाई ने अपने लिए, 3 पीस है। ये है मेरे बड़े भाई का कोट, ये है मेरे छोटे भैया का रिसेप्शन का कोट पैंट, ये भी 3 पीस है। अच्छा, अरे वो गलती से जल गया ना, मैं लाइट ऑन कर रही थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, उठ के नहा धो के रेडी हो चुके हैं। कल हमारे घर में शादी की शॉपिंग चल रही है और उसी की बातें चल रही है, तो मैं व्लॉग में भी ज़्यादातर शादी की चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे हमारी शॉपिंग के हमने क्या क्या कर रखा है वगैरह वगैरह, बच्चों की शॉपिंग, सब कुछ हमने आप लोगों को दिखाया। तो तन्नू हो गया स्कूल जाने के लिए रेडी। आज बहुत दिनों बाद जा रही है तन्नू स्कूल, क्योंकि उसको फीवर आया हुआ था इसलिए वो घर पर ही थी। तो आज बहुत दिनों बाद, एक हफ्ते बाद स्कूल जा रही है, तो वो रेडी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए, नाश्ता कर रही है। तन्नू तू कहाँ के लिए रेडी हो रहा है रे? ओ तन्नू कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जा रहा बेटा? नाश्ता हो गया? तन्नू हो गई स्कूल के लिए रेडी और ये नाश्ते में सिर्फ दूध पी के जाती है स्कूल। ये देखिए, तू खाना खा के नहीं जाता है स्कूल? खाता हूं। क्या खाती हो? स्कूल में क्या ले जा रही है टिफिन में? रोटी सब्जी ले जा रही है, दूध ही है, तू भी पी। तन्नू चली स्कूल। तन्नू बाय बाय लुडू, बाय बाय। आज ही पेंट का काम ख़त्म हुआ है, तो दोनों भाइयों ने मिलके यहाँ फूल कर दिए हैं सेट। उनकी स्टार्टिंग हो रही है सेटिंग की, बाहर से बहुत सारे फूल लगा के रखे पापा ने, मैंने आपको दिखाया था। ये सारे अच्छे से सेट कर दिए हैं, सब उसकी जगह पे लगा दिए हैं। ये मंदिर की सेटिंग करी है मम्मी ने और रूम की सेटिंग करी है मीनाक्षी ने, दोनों सास बहू ने मिलके अच्छे से सब कुछ सेट कर रखा है। ये है हमारा मंदिर, मेरे मायके का मंदिर। ये पर्दा हम हमेशा लगा के रखते हैं, अभी मैंने पर्दा हटा रखा है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है इसीलिए, वरना मंदिर खुला नहीं रखते हैं। और बाकी जो बड़ी आरती वगैरह है वो सामान रखा हुआ है यहाँ नीचे, और नीचे मीनाक्षी का आज मंगलवार का फास्ट है तो उसने हनुमान जी की मूर्ति नीचे रखी हुई है क्योंकि वो यहाँ पे पूजा करती है। ये देखिए मंदिर तो मम्मी ने बहुत अच्छा बनाया, अब देखते हैं रूम की, रूम मीनाक्षी ने कैसा बनाया है। वाह, रूम भी अच्छा सेट कर रखा है मीनाक्षी ने, वैसे सेटिंग तो पुरानी ही रखी है, कुछ नई सेटिंग नहीं कर रखी है। ये देखिए नई सेटिंग ये करिए कि यहाँ पर को मीनाक्षी ने 3 चेयर लगाई हुई है, कोई आएगा तो बैठेगा करके। और बाकी सोफ़ा वगैरह तो पहले भी इधर ही थे, अभी भी इधर ही है। ये रहा टेबल और इस तरफ रही हमारी सोफे की चेयर जो होती हैं, और बाकी बहुत सारी एक्स्ट्रा चेयर वगैरह हैं वो उन्होंने साइड से रखी हुई है क्योंकि मेहमान लोग हमारे वहाँ आते रहते हैं, तो चेयर वगैरह ज़्यादा ही रखी हैं पापा लोगों ने, तो सारी चेयर वगैरह साइड रख रखी। ये है हमारी तन्नू और खुशी की चेयर, 2 चेयर उनकी स्पेशल है, बाकी गेस्ट के लिए है। और ये रहा हमारा ढोलक। एक बार मैं आपको रूम का फाइनल लुक दिखा देती हूँ, पूरा रूम एक साथ दिखा देती हूँ, अभी तो मंदिर अलग, ये चीज़ें अलग दिखा रही थी, एक बार मैं फाइनल लुक दिखा देती हूँ।
ये है यहाँ का गेट, एक गेट इधर से है, दूसरा गेट इधर से अभी बंद करा हुआ है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रूम में गीजर क्या कर रहा है, तो गीजर इसलिए रूम पे लगाया कि यहाँ पे वॉशरूम है और वॉशरूम पे गीजर लगाने की जगह नहीं थी, इसलिए रूम के बाहर रूम पे लगाया हुआ है गीजर वॉशरूम के बाहर। और ये देखिए ये आ रखी है खुशी मुझे बुलाने के लिए, बोल रही है कि भाई रो रहा है चलो नीचे। हुआ कौन रो रहा है, रो रहा है दा, रो रहा है ओ जो, कितना रो रहा है बहुत। चलो फिर चलो जल्दी चलो भाई पास चलो। मीनाक्षी जा रही थी तन्नू को लेने, तो गुन्नू सोया था, मीनाक्षी ने बोला दीदी आप भी चलो हम लेके आते तन्नू को, आपको तन्नू का स्कूल दिखा के लाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ तन्नू के स्कूल, आपको भी दिखाती हूँ। ये है हमारा घर, अभी दिखाती हूँ स्कूल कहाँ पे, थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, देखिए ये बिल्डिंग है तन्नू के स्कूल। और हमारे घर मैंने आपको दिखा दिया है, बस 3 मिनट लगे हैं हमें यहाँ आने में। ओ उधर हो रही है गेहूँ चुटाई में, देखिए मशीन लगी हुई है। ये आ गई है हमारी तन्नू स्कूल से, अपने दोस्तों के साथ जा रही है। अपने दोस्तों से मिलाओगे नहीं बुआ को? क्यों ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, हमारे जस्ट बगल वाले घर में हो रहे हैं चाची लोगों के उधर। स्कूल से आते ही अपनी दीदी से गले मिल रही है, ये है इसकी दोस्त। स्कूल से आते ही भाई से मिलने आ गई है तनु, ये देखिए। और रास्ते में भी मुझसे यही पूछी थी कि तू तो भाई को लेके क्यों नहीं आई, तो अकेले क्यों आई। और ये है छोटी वाली, ये देखो ये सब भाई से प्यार करने में लगे हुए हैं। कल से भाई आएगा आपको लेने, बता कल से भाई आएगा, ठीक है मैं भाई को लेके आऊंगी कल से। तन्नू को स्कूल से लाके हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर हम लोग सो गए थे। अभी उठ के मीनाक्षी बना रही है मम्मी पापा के लिए चाय, और हम लोग बैठे हुए हैं सब, भाई लोग तो काम पर ही है। यहाँ पे मीनाक्षी की बन गई है चाय मम्मी पापा के लिए 2 कप। बोला भाई, भाई बोलना ना, हाँ दीदी मुझे ठंडा हो रहा है, पंखा तो चला गया बोलना। अच्छा अरे वो गलती से जल गया ना, मैं लाइट ऑन कर रही थी। भैया बोलना है मुझे ठंडा हो रहा है दीदी। अच्छा मैं ऊपर गई तो भाई रो रहा था? नहीं रो रहा था। अच्छा ये खुशी तो बोली थी भाई रो रहा चल नीचे। अच्छा आपकी गोदी में आना था, फिर चुप हो गया भाई। अच्छा ये देखो दीदी कर जा रही है चुप भाई को। मैं गई हुई थी ऊपर मंदिर का रूम दिखाने के लिए, तो भाई रो रहा था, और ये तन्नू दीदी बड़ी दीदी करा रही थी भाई को चुप ना। अच्छा क्या बोला आपने भाई को? तो मेरी गोदी में आना था, मैंने सुला दिया। अच्छा फिर आपने सुला दिया, अच्छा सही करा आपने। क्योंकि आपको आप नानी से ज़्यादा प्यार करने लग गया है ना, इसलिए है ना नानी, नानी को प्यार नहीं कर रहा है ना ये, तो दीदी से प्यार करने लग गया है। हाँ दीदी भी तो उतना ही प्यार करती है, तभी तो अब आपके पास आने लग गया है भाई। ए हे दीदी को ही देखा है, दीदी को ही देखा है, नानी कर रही है अपने पोते को प्यार, दीदी को ही देखा है गुंडा। भाई को तो बस दीदी ही चाहिए, दीदी को ही देखा हुआ है, बस दीदी को ही देखा है, बस दीदी को ही देखा है गुंडा। कुन्नू आपको दीदी चाहिए बेटू, दीदी चाहिए। अभी अचानक मौसम हो गया खराब, बारिश आने लग गई है, बच्चे खेल रहे थे फील्ड में, बेचारे सब अब बैठ गए हैं ये, क्योंकि बारिश आने लग गई है, बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा तेज़ बारिश तो नहीं आ रही है। और पापा हमारे फिर भी काम पे ही लगे हुए हैं, वो देखिए अब हेल्प करने भी चली गई है मीनाक्षी, क्योंकि बारिश तेज आ गई है, दोनों ससुर और बहू कर रहे हैं काम।
बारिश तेज़ होने लग गया है, यहाँ पे बक्से भीगने लग गए हैं। बक्से हमने बाहर पर ही रखे थे क्योंकि अंदर अभी जगह नहीं हो रही थी इनके लिए, अचानक से हुआ मौसम ख़राब। अभी तक तो अच्छी खासी धूप आई हुई थी, हवा भी चल रही है और बारिश भी आ रही है। बारिश बढ़ती रह रही है, कम नहीं हो रही है, मौसम ख़राब होते रह रहे हैं। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, शाम का 4:30 बज रहे हैं, लेकिन बाहर ऐसा लग रहा है कि अंधेरा होने वाला है। ये देखिए आवाज़ भी आ रही है बहुत सारी आसमान के कड़कने की। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने दोनों भाइयों की शॉपिंग, मतलब दूल्हे की और अपने बड़े भैया की, दोनों की शॉपिंग दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या क्या शॉपिंग कर रखी है, क्या क्या कपड़े बना रखे हैं अपने लिए शादी के लिए। तो ये रहा दूल्हे का हल्दी का कुर्ता और पैजामा, ये रहा बड़े भैया का कुर्ता और ये है पैजामा, और ये रहे दोनों के मेहंदी के कुर्ते, इसी में दोनों कुर्ते साथ में ही पैक है। ये है मेरे बड़े भैया का कोट, पैंट और शर्ट, 3 पीस है ये भी। ये है मेरे बड़े भैया का दूसरा कोट, ब्लैक कलर का, ये भी 3 पीस है। ये पहनेगा वो रिसेप्शन में और शादी में पहनेगा स्काई ब्लू वाला। ये है मेरे बड़े भाई का कोट, ये देखिए ब्लू कलर का है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये भी 3 पीस है। ये है पापा की सफारी शादी के दिन के लिए, ये पैंट है और ये सफारी है, सफारी सूट बनाया पापा ने, अच्छा लग रहा है। ये पापा ने बनाया है पैंट और शर्ट, ये है पैंट ये शर्ट, और ये दूसरी शर्ट बनाई है, और पापा ने एक और सफारी बना रखी है ब्लैक वाली, वो भी आई नहीं है, और ब्लेजर और ब्लेजर और ब्लैक पैंट बनाई है, वो भी अभी आया नहीं है, वो कल परसों आएगा फिर दिखाऊंगी आपको। ये है पापा का ब्लेजर ब्लैक कलर का, ये है पापा का ब्लेजर, ये है मेरे बड़े भैया का कोट, इसका ब्लू कलर का है ये। ये कोट है गुन्नू के पापा के लिए और ये पैंट है, कोट पैंट पापा ने बनाया है गुन्नू के पापा के लिए। ये कोट पैंट है पापा की, पापा ने अपने लिए बनाई हुई है। ये ब्लैक कोट बना रखा है मेरे बड़े भैया ने अपने लिए, ये है कोट, ये 3 पीस है, ये शर्ट है, पैंट है और बास्केट। ये कोट बना रखा है मेरे भाई ने अपने लिए, 3 पीस है, ये है मेरे बड़े भाई का कोट, ये है मेरे छोटे भैया का रिसेप्शन का कोट पैंट, ये भी 3 पीस है। ये है मेरे छोटे भाई का कोट, ये रिसेप्शन का है, ये देख वो उधर खेत में चल रही है गेहूं की कटाई। यहाँ पे चल रहे हैं गेम्स, एक गेम चल रहा है यहाँ पे, दूसरा गेम चल रहा है इधर फील्ड पे, और तीसरा गेम चल रहा है वो उधर फील्ड पे। ये देखिए लोग घूमने के लिए आते हैं, बंजर खेत है तो आराम से लोग घूमते भी हैं खेलते भी हैं। ये